नमस्ते दोस्तों, मोनी डोसो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ के रसगुल्ले। इसे बनाना बहुत ही आसान है, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रसगुल्ले को बनाना तो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक होते हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस तरह के रसगुल्ले को बनाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गुड़ का रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। गुड़ के रसगुल्ले बनाने के लिए हमें सबसे पहले छेना बनाना होगा, और छेना बनाने के लिए दूध को सबसे पहले हम गर्म करेंगे। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, दूध हमारा छेना बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम दूध में थोड़ा थोड़ा विनेगर डालेंगे। यहाँ पे मैंने विनेगर का यूज किया है, आप चाहे तो नींबू का रस का भी यूज कर सकती हैं। ये देखिए, दूध फटना शुरू हो गया है। इसमें थोड़ा सा और हम विनेगर डाल लेते हैं। ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से फट गया है। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के लिए एक बर्तन ले लें, उसके ऊपर छलनी रख दें, और फिर उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा इस तरह से फैला कर रख दें। अब इस छेना को इसमें डाल दें, और फिर इसमें साफ पानी इसके ऊपर डालकर धो लें, जिससे इसमें जो विनेगर या नींबू का जो फ्लेवर है वो निकल जाए। अब इसे हल्का सा निचोड़ लेंगे। इसे ज़्यादा बिल्कुल ना निचोड़ें, नहीं तो इसका सारा फैट निकल जाएगा। अब इसे हम 30 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आधे घंटे के बाद ये देखिए, छेना हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम एक बड़ी से थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए, छेना हमारा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसी तरह का छेना हमें चाहिए रसगुल्ले बनाने के लिए। अब हमें इसे मसलना है, तो मसलने से पहले हम गैस पर रखे देते हैं गुड़ की चाशनी बनने के लिए। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन ले लें, उसमें गुड़ डाल दें। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गुड़ यूज किया है। इस कटोरी से 1 कटोरी, और अब मैं इसी कटोरी से 4 कटोरी पानी डालूंगी। अब गुड़ को पिघलने दें। जब तक हमारा गुड़ पिघलता है, तब तक हम छेना को मसल के चिकना कर लेते हैं और उसको रसगुल्ला का शेप दे देते हैं। अब हम छेना को मसलना शुरू करते हैं। छेना को मसलना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है रसगुल्ले को परफेक्ट बनाने के लिए। तो लगभग 10 मिनट के लिए हमें छेना को अच्छे से मसलना है। जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ ना हो जाए, तब तक हमें अच्छे से छेना को मसल के तैयार करना है। हमें हाथ के इस पोर्शन से छेना को मसलना है। छेना को आप जितना अच्छे से मसलेंगे, रसगुल्ला उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और हाँ, आप चाशनी को बीच बीच में जोर चलाते रहें, जिससे आपकी चाशनी नीचे से जले नहीं। तो इसी तरह से हम मसलते हुए छेना को चिकना कर लेते हैं। कुछ लोग इसमें अरारोट या मैदा मिलाकर बनाते हैं, लेकिन मैं प्योर छेना का रसगुल्ला बनाती हूँ, क्योंकि इससे रसगुल्ला का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। छेना को मसलते हुए हमारा 10 मिनट हो गया है। छेना बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। आपको जिस साइज का और जिस आकार का रसगुल्ला चाहिए, आप उस साइज और आकार का छेना का बॉल्स बनाकर तैयार कर लीजिए। बॉल्स बिल्कुल चिकना होना चाहिए, इसमें दरार नहीं होना चाहिए, नहीं तो रसगुल्ला चाशनी में जाकर फट जाएगा।
रसगुल्ले के लिए मैंने सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। ये देखिए दोस्तों, गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। अब इस स्टेज पे आप गुड़ में अगर आपकी कुछ भी गंदगी है तो इसे आप इसी समय छलनी से छान लें। मैंने इसे छलनी से छान लिया है, इसकी जो गंदगी थी मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसमें इस चाशनी में एक उबाल आने देंगे। चाशनी में उबाल आ चुका है। अब इसमें फ्लेवर के लिए एक छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अब चाशनी में अच्छे से उबाल आ चुका है। इसमें अब मैं रसगुल्ला को एक एक करके इसमें डालते जाऊंगी। कभी भी ठंडा चाशनी में रसगुल्ला को पकाना है। जब भी उबलते हुए चाशनी में ही हमें रसगुल्ला को डालना है, ये आप बात जरूर ध्यान दें। मैंने सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम को आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाएं। और इसे अब मैं ढक देती हूँ और ढक के ही 20 मिनट के लिए इसे मैं पकाऊंगी। बीच में आप एक से दो बार इसे एक बार ऊपर से नीचे चला लें। 20 मिनट हो गए हैं दोस्तों। यह देखिए हमारा रसगुल्ला बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा से बड़ा बड़ा बन के तैयार हो गया है हमारा रसगुल्ला। तो अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा रसगुल्ला बनकर बिल्कुल तैयार है। यह बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप रसगुल्ला बनाएंगे तो आपका रसगुल्ला भी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।